Let's do theorem number first of the area of parallelogram and triangles. Theorem number first kya kehti hai? Theorem number first kehti hai parallelogram on the same base. Do parallelogram. Yahan pe do parallelogram ke dekhe A B C D aur A B E F. Jo ki same base pe hai aur between the same parallel lines. Jo ki same parallel lines ke beech mein hai. Are equal in area. तो वो कह रहा है इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, ये प्रूफ करना है. तो हमें फ्रेंड्स गिवन क्या दे रखा है इसमें कि पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस, सेम बेस, बेस क्या है ए बी, ए बी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, द सेम पैरेलल लाइंस. कौन कौन सी पैरेलल लाइंस? ए बी एंड एफ सी, ए बी एंड एफ सी के बीच में दे रखी है. राइट फ्रेंड्स, अब हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल है एरिया किसके, ए बी ई एफ के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है. तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे प्रूव वो देखते हैं. फ्रेंड्स अगर आप देखें ए बी सी डी में और ए बी ई एफ में कुछ कॉमन एरिया है, अगर देखें ए बी सी एफ हमारा कॉमन एरिया है, तो इसके बारे में हम तो हम बाद में बात करेंगे. साइड में हमारे दो ट्राइंगल्स छूटे हुए हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल. अब हमें पता है दो ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्करेंट प्रूफ कर दें तो उनका एरिया क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है. कॉन्करेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरिया. क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि उनके सारे पार्ट्स पेयर्स सब इक्वल होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे तो भी एक ही ट्राइंगल लगेगा, तो इसलिए उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है. राइट फ्रेंड्स, तो हम अगर इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ कर दें तो वी कैन से दैट द एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल. राइट, तो कैसे करेंगे प्रूफ? इन ट्राइंगल ए एफ डी, ए एफ डी एंड ट्राइंगल बी ई सी, बी ई सी में. राइट फ्रेंड्स, तो अब हमें कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए तीन चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी. अब पहली क्या प्रूफ करते हैं? ए डी हमारी इक्वल है किसके? बी सी के. ए डी इज इक्वल टू बी सी. वाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. राइट, अब और क्या चीज प्रूफ कर सकते हैं हम? देखिए एंगल ए डी एफ, ए डी एफ किसके इक्वल हो गया? एंगल ए बी सी के इक्वल हो गया, ये वाले. वाई? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल. राइट, अब लेकिन ये वाला एंगल किसके इक्वल हुआ? इस वाले एंगल के इक्वल हुआ. एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई. वाई? बिकॉज हमें पता है ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स. राइट, तो अब देखिए ए बी सी तो इक्वल हुआ बी सी ई के, ये इसके इक्वल हुआ, लेकिन ये एंगल इसके इक्वल था क्योंकि पैरेलल. तो आपस में हम कह सकते हैं एंगल ये और ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी ई. तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी ई. प्रूव्ड, ये हमने प्रूव्ड कर दिया. इसी तरीके से हमें पता है एंगल F किसके इक्वल आएगा? एंगल E के. हम कह सकते हैं एंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी. वाई? बिकॉज क्या हो जाएंगे? ये देखिए ये दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, ये उसकी ट्रांसवर्सल आ रही है. राइट फ्रेंड्स, तो
ये क्या हो गए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, आप चाहें तो एडी पैरेलल थी बीसी के, इन दोनों को भी आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कह सकते थे, राइट फ्रेंड्स। तो ये दो ट्राइंगल्स क्या हो गए, ट्राइंगल ए एफ डी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल बी ई सी हो गया, बाय कौन सा रूल, ए ए एस रूल, दोनों कॉन्करेंट हो गए। कॉन्करेंट हो गए तो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी के इक्वल है, राइट। अब जब एरिया इक्वल है तो अब इन दोनों को एरिया इक्वल आ गया, तो अब मैं ये कॉमन पार्ट इन दोनों एरिया में ऐड कर सकती हूँ। तो मैं कहूँ ऑन एडिंग क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एफ ऑन बोथ साइड, बोथ साइड ऐड कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हम इसे मान लेते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ डी, सॉरी ए एफ डी प्लस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एफ को ऐड कर। अब देखिए ए एफ डी में ए बी सी एफ ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया, ए बी सी डी बन गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बन गया इक्वल्स टू एरिया ऑफ, अब बी ई सी में ए बी सी एफ ऐड हो गया, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया, कौन सा, ए बी ई एफ, एंड दोनों के एरियाज इक्वल आ गए, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।